हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड इज प्रियांशी सौरभ। आज की वीडियो में हम क्यूब के 3 पैटर्न सीखेंगे। पहला डोनट पैटर्न, दूसरा चेस पैटर्न एंड तीसरा प्लस पैटर्न। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, डोनट पैटर्न बनाने के लिए हमें क्यूब की कोई भी कलर लेंगे। मुझे रेड सही लग रहा है तो मैं रेड ले रही हूँ। आपको जो सा अच्छा लगे आप वो ले लीजिएगा। तो सबसे पहले डोनट पैटर्न बनाने के लिए ये स्लांटिंग वाली लाइन को हम लेफ्ट साइड मूव कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद जो ये हॉरिजॉन्टल में बीच वाली लेयर है उसको हम ऊपर की तरफ मूव कर देंगे ऐसे। उसके बाद फिर ये स्लांटिंग वाली लेयर को राइट साइड और ऊपर वाली लेयर को नीचे की तरफ। तो गाइस, ये सबसे सिंपल और इजी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये अच्छा पैटर्न है। तो दूसरा पैटर्न बनाते हैं, वो है चेस पैटर्न। तो गाइस, चेस पैटर्न बनाते हैं। तो चेस पैटर्न के लिए अब हम ये जो राइट वाली लेयर है इसको हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे 2 times। लेफ्ट तो लेफ्ट वाली लेयर को हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, अपर वाली लेयर को लेफ्ट साइड मूव करेंगे। हर लेयर को 2 times ही मूव करना है। तो डाउन वाली लेयर को भी राइट साइड 2 times मूव करेंगे, फ्रंट वाली लेयर को 2 times मूव करेंगे क्लॉक वाइज, बैक वाली लेयर को एंटी क्लॉक वाइज मूव करेंगे। इसी के साथ गाइस चेस पैटर्न बन जाएगा। तो गाइस, अब आते हैं लास्ट प्लस पैटर्न बनाते हैं। तो प्लस पैटर्न को कुछ लोग क्रॉस पैटर्न भी कहते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो कहिए। तो प्लस पैटर्न बनाते हैं। तो सबसे पहले ये अपर वाली लेयर को हम राइट साइड मूव कर देंगे। उसके बाद फिर फ्रंट वाली लेयर को हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और बैक वाली साइड को भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। उसके बाद फिर आर को हम 2 times ऊपर की तरफ मूव करेंगे 1 2, और यू वाली लेयर को 2 times राइट साइड 1 2, फिर से आर वाली लेयर को ऊपर की साइड 2 times 1 2। उसके बाद फिर एफ वाली लेयर को क्लॉकवाइज मूव करेंगे, बैक वाली लेयर को भी क्लॉक वाइज मूव करेंगे। उसके बाद अपर वाली लेयर को 2 times मूव करेंगे राइट साइड। उसके बाद आर वाली लेयर को भी 2 times मूव करेंगे। उसके बाद एक बारी अपर वाली लेयर को राइट साइड मूव करेंगे। तो गाइस, हमारा प्लस पैटर्न बन चुका है। और गाइस, ये पैटर्न भी इजी है, बस इसमें थोड़े मूव्स ज़्यादा है तो थोड़ा टफ लगता है, बट ये भी इजी है। और सारे एल्गोरिथम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।